अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि ओ लेवल्स की बुक बायोलॉजी का हिस्सा है। इसमें जो पहला टॉपिक है वो ये है कि जो सेल्स हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव किस तरह करते हैं। ये फॉर एग्जांपल सपोज करेंगे हम कि एक हमारे पास सेल है और मॉलिक्यूल्स उसके बाहर हैं, कुछ कंसंट्रेशन में और कुछ कंसंट्रेशन में अंदर है। कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितनी मिकदार है। मॉलिक्यूल्स मुसलसल मूव करते रहते हैं। जब ये मूव करते हैं तो ये एक दूसरे से टकराते भी हैं और टकराने के दौरान इनकी डायरेक्शन भी बदलती है, और इस वजह से ये हमेशा इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। जहाँ ज़्यादा मिकदार होगी वहाँ से कम मिकदार वाली साइड पर ये जाएंगी। ये जो इनके मिकदार का फ़र्क है इसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। जिस जगह ये ज़्यादा है इसे हम कहेंगे एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जिस जगह ये कम है हम उसे कहेंगे एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस चलते रहते हैं जिसमें हमें कभी कभी कम वाली जगह से भी मॉलिक्यूल्स को स्टिल ज़्यादा वाली जगह पर उनको लेना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है। ऐसी सूरत में एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है। जब हम एनर्जी एक्सपेंड करेंगे और मॉलिक्यूल्स को कम वाली जगह से ज़्यादा वाली जगह पर घेरेंगे, यानी कम कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वापस दोबारा बुलाएंगे, डिफ्यूजन वाली जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में कहीं कहीं होती है ज़रूरत के तहत। हमारी बॉडी में जो मेनली और जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में जितने भी गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आयंस, मिनरल्स हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन के मुताबिक उनकी जो मूवमेंट होती है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती है। मिसाल के तौर पर जब जानदारों के जिस्म के बाहर जो पानी के अंदर रहते हैं हम उन्हें देखें, तो ऑक्सीजन जितनी भी सेल के अंदर होती है वो रेस्पिरेशन के दौरान इस्तेमाल होती रहती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती रहती है। लेकिन बाहर पानी मौजूद है या वो जानदार जो हवा से सांस लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए ये मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह के अंदर मूव करते रहते हैं। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं या जिनकी बॉडी में एक ही सेल होता है, उनके अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए, खासकर ऑक्सीजन को एक्वायर करने के लिए, इसी तरीके से यानी डिफ्यूजन के तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है लेकिन उसकी क्वांटिटी कंसंट्रेशन बाहर कम है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ मूव कर जाएगी और इस प्रोसेस को भी हम डिफ्यूजन कहेंगे। आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो डिफ्यूजन को पॉसिबल बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि डिफ्यूजन की इम्पॉर्टेंस क्या है। बिल्कुल सही बात है, जो भी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनमें एक्सचेंज होता है वो ऑक्सीजन का हो, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इसी के थ्रू करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में भी आपको पता है कि लीव्स वो जगह है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा दो गार्ड सेल के साथ मौजूद होते हैं। ये छोटी सी ओपनिंग एक्चुअली स्टोमा है, और क्योंकि प्लूरल में हम वर्ड स्टोमेटा बोलते हैं, तो इन ओपनिंग्स के थ्रू, इन स्टोमा के थ्रू जो गैसेज हैं उनका एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो बाहर ज़्यादा है वो पत्तों के अंदर चली जाती है। कुछ एयर स्पेसिस भी होती हैं जो सेल्स के दरमियान में पाई जाती हैं, वहाँ से भी ऑक्सीजन पत्तों के अंदर सेल्स में अब्सॉर्ब हो जाती है और यहाँ बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में निकल जाती है। लेकिन पौधों में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस साइड बाई साइड चल रहा होता है, इसीलिए इनमें ऑक्सीजन जो कि रेस्पिरेशन के लिए सेल के अंदर जाती है पत्तों में, बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी आ जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अब्सॉर्ब होती है पत्तों में और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो पौधे इस तरह से दोनों गैसेस का एक्सचेंज दो मुख्तलिफ प्रोसेसेस में करते रहते हैं।
अब हम देखते हैं कि सॉल्यूट्स किस तरह से जो है वो डिफ्यूज़ होते हैं। हमने सिर्फ अभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाइल को पढ़ा है, लेकिन हमारी बॉडी में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स आयंस जैसे कि सोडियम है, जैसे कि क्लोराइड है, जैसे कि कैल्शियम है, यूरिया है और बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते रहते हैं। ये भी ज़्यादातर जो सॉल्यूट्स हैं जो कि पानी में हल हो जाते हैं, ये आराम से अपनी कंसंट्रेशन के मुताबिक हमारे जिस्म से या तो एक्सक्रीट होते रहते हैं या हमारे जिस्म के अंदर आ सकते हैं, हमारे सेल्स के अंदर आ सकते हैं। इसका मतलब है कि सॉल्यूट्स की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, गैसेस की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें डिफ्यूजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और जो इसके ऑपोजिट प्रोसेस है वो भी हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं होता रहता है, ज़रूरत के मुताबिक किसी चीज़ को कम कंसंट्रेशन वाली जगह से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह पर इनर्जी देकर एक्सपेंड किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वेयर इज डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा डिफ्यूजन है उसका रेट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर वन है सरफेस एरिया, नंबर टू है टेम्परेचर, नंबर थ्री है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड नंबर फोर है डिस्टेंस। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया कहते हैं कि किसी भी सेल का कितना एक्सपोज्ड एरिया अवेलेबल है जहाँ से उसमें गैसेस बाहर जा सकें या बाहर से गैसेस या मटीरियल्स, मिनरल्स, आयन सब अंदर आ सकें। यहाँ एक खुलिया मौजूद है, इसकी हर जगह ओपन है, आप देख सकते हो ये इतना वॉल्यूम इसने घेरा हुआ है। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, यानी एक्सपोज्ड एरिया कितना अवेलेबल है और कितनी जगह एक सेल ने घेरी हुई है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इस पॉइंट में कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया एक सेल का अवेलेबल होगा उतना हर जगह से मटेरियल्स को अंदर और बाहर एक्सचेंज किया जा सकेगा। लेकिन अगर इसी खुलिए के साथ यहाँ दूसरा खुलिया लग जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दो खुलिए मैंने अब बना दिए हैं। यहाँ पर ये सरफेस जो है इस सेल की ब्लॉक हो गई है, यहाँ इस खुलिए को यहाँ से एक्सचेंज के लिए जगह मिल रही है, ये जगह मिल रही है, ये जगह मिल रही है, लेकिन ये जगह इसको भी नहीं मिल रही और यही वाली सरफेस दूसरे सेल को भी नहीं मिल रही। तो यहाँ पर दोनों का सरफेस एरिया कम हो जाता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाता है रेट डिफ्यूजन का जो है वो भी कम होता जाता है। जितना एक्सपोज्ड एरिया सरफेस एरिया ज़्यादा होगा डिफ्यूजन का रेट भी उतना ज़्यादा होगा। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के हो, कार्बन डाइऑक्साइड के हो, मुख्तलिफ और आयंस हो, इनको जब एनर्जी मिलती है तो ज़ाहिरी बात है कि इनकी मूवमेंट जो है वो तेज़ हो जाती है। एक्चुअली जब हम एनर्जी मॉलिक्यूल्स को देते हैं तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है जो इनको मूवमेंट करने में आसानी देती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम चीनी को, पानी को जो है, चीनी को और नमक को पानी के अंदर हल करते हैं तो गर्म करने पर वो उसको ज़्यादा तेज़ी से हल कर लेते हैं, क्योंकि गर्म करने पर, हीट देने पर, टेम्परेचर देने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो मूवमेंट तेज़ी से करते हैं। एक वक्त वो भी आता है डिफ्यूजन की वजह से कि जब मॉलिक्यूल्स बैलेंस में आ जाते हैं, यानी दोनों जगह पर वो एक जैसे हो जाएंगे। अब ये मूवमेंट करेंगे भी तो इनमें नेट डिफरेंस मूवमेंट का, कंसंट्रेशन का नहीं होगा, उस वक्त हम कहेंगे कि यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, यानी मिकदार का फ़र्क कितना है। मिकदार का फ़र्क ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ बहुत कम मॉलिक्यूल हैं, तो जाहिर बात है मूवमेंट तेज़ी से इस तरफ डायरेक्शन में होगी, और अगर ये फ़र्क थोड़ा कम है तब भी मूवमेंट होगी लेकिन रेट डिफ्यूजन का स्लो होगा। और बात वही आ जाती है कि ये तब जाकर ख़त्म होगा, मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की मुसलसल चलती रहेगी लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तब बैलेंस हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम एक्वायर हो जाएगा, यानी दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। हमारा लास्ट आज का टॉपिक का हिस्सा है जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को बता रहा है, डिस्टेंस का। एक खुलिए की लेयर जितनी भी मोटी और थिक होगी मॉलिक्यूल्स को उसके अंदर जाने में उतनी ही डिफ़िकल्टी होगी। मिसाल के तौर पर प्लांट्स के जो सेल्स हैं, आपको मालूम है कि उसमें सेल वॉल भी होती है एक सेल के बाहर और वो काफ़ी थिक भी होती है, तो मॉलिक्यूल्स को डिफ़िकल्टी होती है उसके अंदर जाने के लिए। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल को मूव करके जाना होगा डिफ्यूजन के लिए, तो उसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगा। और जितना डिस्टेंस कम होगा, जितना कम थिक होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल की वॉल, तो मॉलिक्यूल्स को उसमें आराम से जाने का मौका मिल जाएगा।
यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे बहुत सारे जो सेल्स हैं, जैसे कि हम इंटेस्टाइन की बात करें तो उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी होती हैं जो कि एक्सपोज्ड एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। इसलिए जब हम खुराक हजम करते हैं तो वो सारे अमाउंट ऑफ मिनरल्स, मॉलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट सारे कंपाउंड जो कि हमें खुराक के ज़रिए हासिल होते हैं वो अच्छी तरह अब्जॉर्ब होते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर इसमें से एक सेल का आप बड़ा करके देखें तो उसमें भी छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी होती हैं जो एक्सपोज्ड एरिया बढ़ा देती हैं। इन प्रोजेक्शंस को माइक्रोवाइलाए कहते हैं और ये भी इसलिए होती हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और जितनी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी उतना ही मॉलिक्यूल्स अच्छे तरीके से मूव कर सकेंगे। तो ये चार फैक्टर्स हैं। अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर द फोर फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो आपको इन चारों पॉइंट्स को मुख्तलिफ मिसालों के साथ, जिनको बुक में दिया गया है और जिन्हें मैंने भी एक्सप्लेन किया है, आपको इनको लिखना पड़ेगा, इन मिसालों के साथ उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफिज़।